Welcome back to all of you in today's current affairs session. Today we are going to discuss about 6 Feb 2020 current affairs. जैसा कि आपको पता है कि डेली बेसिस पे जो क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं उसमें कई बच्चे जो हैं आंसर दे रहे हैं, जैसे मनीषा राजपूत, अनु शर्मा, शिवांशी शर्मा, गरिमा, बहुत बच्चे दे रहे हैं आंसर। तो आपको मैं बता दूं कि शिवांशी शर्मा ने जो आंसर दिया था वो 3.5 है। तो आपको मैं बता दूं कि रिवाइज जो है, रिवाइज एस्टीमेट वो 3.8% है। पहले गवर्नमेंट ने बताया था 3.3%, जो रिवाइज करके कितना कर दिया गया है, 3.8%। ठीक है, और उसके बाद मतलब 4 फेब की जो वीडियो थी उसमें क्या था, मैंने पूछा था कि आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे, तो कई बच्चों ने दिया सीडी देशमुख। तो पहले भारतीय थे, फर्स्ट आरबीआई के गवर्नर थे ऑसबोर्न स्मिथ। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। ट्रस्ट फॉर बिल्डिंग राम टेम्पल एट अयोध्या। आपको पता है कि जो बाबरी मस्जिद था उसके वाला जो विवाद है वो सुलझा लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें परमिशन दे दिया कि वहाँ पर राम टेम्पल बनेगा। ठीक है, तो उसी को मतलब बनाने के लिए एक ट्रस्ट सेट किया गया है। उस ट्रस्ट का नाम है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। ये ध्यान रखना है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। उसके बाद नेक्स्ट जो है डिफेंस एक्सपो 2020। तो आपको मैं बता दूं कि ये 11th एडिशन था। कौन सा एडिशन था? 11th नंबर का एडिशन था, और इसका उद्घाटन किया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। और ये एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो है। मैं आपको बता दूं, एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो है। कौन सी मिनिस्ट्री के थ्रू? बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। कहाँ पर आयोजित हुआ? लखनऊ में आयोजित हुआ। आपको पता है कि हम लोग डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, तो उसमें एक योगदान इसका भी है। किसका? इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, कि राष्ट्रीय महत्व के जो भी संस्थाएं उनका। तो जो कैबिनेट अप्रूव्स 5 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कि हमारी जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल है, उसने क्या किया, अप्रूव कर लिया है कि 5 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेट की जाएगी। कहाँ पर? रायचूर, अगरतला, भोपाल, भागलपुर और सूरत। तो आपको मुझे ये बताना है, पहला क्वेश्चन जो है आपके लिए वो ये है कि रायचूर है कहाँ पर। आपको मैं बता दूँ, अगरतला त्रिपुरा में है, भोपाल मध्य प्रदेश में है, भागलपुर बिहार में है और सूरत गुजरात में है। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेरिटेज सिटी स्टेटस, विश्व विरासत स्थल की बात कर रहा हूँ मैं। ये किसको दिया गया है? जयपुर को दिया गया है। किसको? जयपुर को। और जयपुर को किस कैटेगरी में? एक तरीके से आपको पता है कि जयपुर जो है वर्ल्ड सिटी है। वर्ल्ड सिटी का मतलब होता है एक तरीके से दीवारों से घिरा हुआ। तो आपको पता है कि जयपुर में बहुत सारे किले हैं और वो दीवारों से घिरा हुआ है। तो किसने दिया है ये? यूनेस्को ने। यूनेस्को कब स्थापित हुआ? 1946 में। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, और इसके डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्री ऑजली। ये ध्यान रखना आपको, डायरेक्टर जनरल वगैरह। तो सेकंड क्वेश्चन आपका मैं जो बता दूँ वो यहीं से है कि इंडिया में फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा था, और करंट में टोटल कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। उसके बाद कैबिनेट गिव्स अप्रूवल फॉर सेटिंग अप अ न्यू मेजर पोर्ट, मतलब जो हमारी मंत्रिपरिषद है उसने परमिशन दे दी है कि एक नया मुख्य बंदरगाह को सेट किया जाएगा, मतलब स्थापित किया जाएगा, जिसका नाम होगा वधवन। क्या नाम होगा? वधवन। और ये कहाँ पर होगा? महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन 2017-18, बेरोजगारी दर 2017 और 18 में कितने परसेंट रही? 6.1%। किसने बताया हमें ये? बाय लेबर फोर्स सर्वे। ये ध्यान रखना आपको, बाय लेबर फोर्स सर्वे। अगला जो करंट अफेयर है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको समझना है कि चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन। तो ये क्वेश्चन आ सकता है
कि इसका उद्देश्य क्या है और इसे किसने स्थापित किया या लॉन्च किया। तो लॉन्च किसने किया, लॉन्च बाय ब्रिटेन प्रिंस, ब्रिटेन जो प्रिंस है चार्ल्स, उन्होंने इसको लॉन्च किया। और इसका पर्पस क्या है, रिड्यूसिंग एक्सप्लोइटेशन ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया, मतलब भारत में जो बच्चों का शोषण हो रहा है उसको कम करने के लिए। तो अगला जो करंट अफेयर है वो है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, बाय यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। तो सबसे महत्वपूर्ण ये नहीं है कि ये इसे जारी कौन करता है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि 53 नेशन का ये इंडेक्स जारी हुआ, जिसमें रैंक 1 पर रहा अमेरिका, रैंक 2 पर रहा यूके और भारत का रैंक रहा 40। मतलब 2019 में इंडिया का रैंक था 36, जो 2020 में हो गया 40, तो मतलब कमी आई है। आपको मैं बता दूं कि 2019 में जो इंडेक्स इशू हुआ था उसमें 50 कंट्रीज थी, इस टाइम 53 है, उस रिस्पेक्ट में भी इंडिया का क्या हुआ है, इंडेक्स कम हुआ है। अगला जो है, द डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास बिल 2020। तो ये जो बिल है इसे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने लोकसभा में अभी पेश किया है। आपको मैं बता दूं कि ये डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट है या विवाद है उससे रिलेटेड ये बिल है। तो ये था आज का करंट अफेयर। मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये जो वीडियो हम बना रहे हैं वो आपके लिए बेनिफिट कर रहा है या नहीं कर रहा है, और किस तरीके से आप इन वीडियोज़ को, इन करंट अफेयर्स के सेशन को देखते हैं। और मैं ये भी चाहूँगा कि आप हमें ये भी बताएं कि किस टॉपिक पर आप वीडियोस देखना चाह रहे हैं। जैसा कि मुझे मिला है कि शिवांशी शर्मा ने कहा है कि साइंस पर बनना चाहिए, और एक पहले हमें मिला था कमेंट कि सर करंट अफेयर्स सॉरी जीके की प्रिपरेशन कैसे की जाए, उसकी स्ट्रैटेजी पे एक वीडियो बनाएं। तो इस वीक जो है जीएस की स्ट्रैटेजी भी वीडियो बना दिया जाएगा। तो मैं और जानना चाह रहा हूँ कि आप क्या चाह रहे हैं कि किस टॉपिक पर वीडियो बनना चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हम आपको अपडेट कर पाएँ, और जितना पॉसिबल हो पाएगा उस पर हम लोग काम करेंगे।